नमस्कार, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए विस्तार से आज की खबरों पर नजर डालते हैं। इलाहाबाद के हंडिया तहसील के मिठूपुर ग्राम सभा में जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने भरपूर सहयोग और योगदान दिया, जिसमें सहयोगी बंधु रामदेव यादव, बालचंद्र यादव, सुग्रीव यादव, डॉक्टर अभयराज एवं समस्त ग्रामवासी का भरपूर सहयोग रहा। थाना में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर एवं थाने को सजाया गया और भजन कीर्तन भी किया गया। वहां भोजन का भी प्रबंध किया गया था, जिसमें सहयोगी एसओ विनोद कुमार सिंह, एसआई पवन कुमार सिंह, एसओ अमित कुमार सिंह, एसआई परलोक एवं सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा। प्रदीप मिश्रा, फास्ट न्यूज इंडिया, इलाहाबाद के हडिया तहसील के सराम अमरेश थाने पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम सबके सहयोग से और यशो साहब के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज थाना सराय ममरेज प्रांगण में कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और यहाँ पर आए सभी मित्रों और आगंतुकों का स्वागत एवं भोजन व्यवस्था की गई है। और कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर सभी बाल गोपाल जो यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और बड़े हर्षोल्लास के साथ में हम अपने पूरे थाना स्टाफ की तरफ से सराय ममरेज जनता को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहते हैं। धूमधाम से सराय ममरेज थाने में मनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर शिक्षक महोदय द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है वो कुछ कुछ यकीन है और इसके साथ जो जनता जो है सभी जो है जनता को हमारे तरफ से और हमारे साथियों की तरफ से धन्यवाद। नाम लेकर आगे बढ़ा कौन है क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को, प्रधान को, आम जनमानस को। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। देते हुए बताया कि स्कूल के पास कई जगह गड्ढे में भरा है पानी, इस कारण पढ़ने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई कमरों में पानी भी भर रहा है। शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लालगंज तहसील थाना देवगांव आजमगढ़ में नगर चेयरमैन के यहां फास्ट न्यूज इंडिया की टीम पहुंची, वहां के विकास कार्यों का जायजा लिया, जहां नगर चेयरमैन विजय सोनकर ने हमारी मीडिया को बातचीत में बताया कि शौचालय का 90% काम हो गया है। आइए सुनते हैं। फास्ट न्यूज इंडिया से आज हमारे साथ हैं नगर चेयरमैन विजय सोनकर जी और 2 अक्टूबर तक ओडीएफ करना जा रहा है पूरा उत्तर प्रदेश। जी सर बताए। मैं विजय कुमार सोनकर, नगर पंचायत कटिहार में चेयरमैन, और हमारे यहाँ स्वच्छता मिशन के तहत जो भी शौचालय बनने हैं वो 90% तक कार्यवाही हो गई है। हो सकता है इस माह के लास्ट तक हम पूरा अपना दायित्व पूरा कर लें, जो भी सरकार के ऊपर से है। खबरों का सिलसिला आगे लगातार ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।